हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस किचन विद डॉक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो अभी हम छत पे आए हैं, देख सकते हो। और अब अपने पापा के साथ है। हम लोग रोज़ शाम को छत के ऊपर आते हैं क्योंकि ज़्यादा घर पे रहना भी ठीक नहीं है। बेबी को अगर ज़्यादा घर पे रखेंगे तो बेबी का ग्रोथ भी नहीं होगा। सो इसी वजह से हम थोड़ा छत के ऊपर लेके आते हैं ताकि उसे बाहर का भी थोड़ा हवा खिलाना बहुत ज़रूरी है। बाहर में भी लेके आने से मतलब उसका भी ग्रोथ हो पाएगा। सो आप देख सकते हो हम छत के ऊपर व्यू देख सकते हो। सच ए ब्यूटीफुल व्यू। हम अपने आरव बेबी को लेकर शाम के टाइम 5 बजे हम रोज़ शाम को छत के ऊपर जाते हैं, वर्क करते हैं आरव को गोद पर लेकर। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सो जाता है तब स्माइल करता है क्योंकि छत के ऊपर काफ़ी हवा चलता है तो आरव को भी अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होती जा रही हूँ दिन ब दिन। ये जो वीडियो है मतलब ये ब्लॉग जो है ये मैंने काफ़ी पहले शूट करके रखा था अपने फ़ोन के गैलरी पे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये वीडियो शूट किया है और ये जो वीडियो है ये मेरे गैलरी पे है, मैं एकदम से भूल गई। सो आज मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसे एडिट करके मैं अपलोड कर लूँ। सो वही बात है। सो अरब के पापा ने, आपको पता है कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिया है कि अरब के पापा ने ड्यूटी जॉइनिंग कर लिया है। के पापा जो है वो जब छुट्टी पे होते हैं तो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, नहीं तो ड्यूटी जॉइनिंग करते हैं तो पूरा मतलब वेट लूज हो जाता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। गाइस इतना हवा चल रहा है मैं क्या बोलूँ, तो गाना तो बनता है। मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा, चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। अभी मैं अरब को लेकर थोड़ा वर्क कर रही हूँ। सो पूरा शाम हो चुका है, अभी हम घर जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम रुकना भी ठीक नहीं है। छत से नीचे आने के बाद आरव तो सो गया था इसलिए मैंने झूले पे उसे सुला दिया था। सो अभी उसने क्या किया कि पॉटी कर दिया, तो अभी मुझे उसे क्लीन करना पड़ेगा। अभी पॉटी कर दिया तो वो अभी रोएगा। अभी मैं आरव का पॉटी क्लीन करके उसका नैपी लगा दे रही हूँ। सो आप देख सकते हो आरव कितना रो रहा है। ये ऐसा ही करता है, रोता रहता है, मुझे तंग करता रहता है। सो इसे गोद में लेकर अगर हम चले तो ये खुश हो जाता है, आराम मिलता है उसे। और अगर हमने उसे बिस्तर पे रख दिया और झूले पे रख दिया तो वो रोना शुरू कर देता है। ऐसे सो जाता है तो झूले पे रख देती हूँ तो चुप रहता है, नहीं तो बाप रे मैं क्या बोलूँ, इतना रोता है, इतना चिल्ला चिल्ला कर रोता है। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था कि ये इतना क्यों रोता है, तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला ऐसा रोएगा 3 मंथ्स तक, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सो होते हैं कुछ बच्चे जो ऐसे ही रोते हैं। सो वही बात है, मेरा आरव भी सेम है, रोता रहता है, रोंदू बच्चा है। सो अभी मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये जल्दी सो जाए और मैं अपना काम कर पाऊँ। सो ये सोने के बाद ही, आरव सोने के बाद ही मैं अपना घर का काम कर पाती हूँ। इवनिंग का जो जितना जो साफ़ सफाई है वो मैं कर पाती हूँ। मेरा जो आरव बेटा है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का इंसान है। सो इसे अगर इसका सर अगर हम ना हिलाए तो ये नहीं सोता है। सो इसे अच्छे से इसका सर हिलाना पड़ता है तब जाकर ये आराम से सोता है, नहीं तो सो नहीं पाता, रोता रहता है। सो इसके सोने के बाद ही हम कुछ कर पाते हैं आरव के पापा और मैं। उसके बाद मैं आरव को ग्राइप वाटर पिलाती हूँ, सुबह एक बार, शाम को एक बार, फिर रात को एक बार। सो 3 बार मैं इसे जैसे भी पिलाती हूँ। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, मतलब होम्योपैथिक ग्राइप वाटर है। सो ये बहुत अच्छा है ये ग्राइप वाटर। सो बोलते हैं ना कि एलोपैथिक जो होता है वो जल्दी असर करता है लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे करता है। होम्योपैथिक जो है वो न्यूबॉर्न बेबी ऐसे छोटे बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन ही उनके लिए अच्छा होता है, ज़्यादा एलोपैथिक का मेडिसिन खिलाना पिलाना ठीक नहीं होता है। सो वही बात है। सो इसी वजह से हम
अपने अरब बेबी को होम्योपैथिक का ग्राइप वाटर पिलाते हैं, 3 बार पिलाते हैं, और इसमें 3 बार ही बोला गया है तो मैं 3 बार पिलाती हूँ। और हमारा जो अरब है उसने 2 मंथ्स भी कंप्लीट कर लिया है। सो हमारा अरब बड़ा हो रहा है, अभी कुछ दिन बाद ये बैठना शुरू कर देगा, फिर चलना भी शुरू कर देगा, उसके बाद यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर मुंह पे क्या क्या डालेगा। सो वही टेंशन है कि ऐसा कुछ ना करे, ज़्यादा चंचल ना हो मेरा अरब। अभी तो रो रहा है, बहुत ज़्यादा रोता है ये, तो पता नहीं देखते हैं ये कितना चंचल होता है। अभी मैं अरब का बर्पिंग करूँगी, फिट करवाने के बाद भी मैं बर्पिंग करती हूँ, और कुछ अगर ग्राइप वाटर और विटामिन D3 अगर मैं पिलाऊँ तभी भी मैं थोड़ा बर्पिंग कर देती हूँ, ताकि उसे गले में उसका ना फंसे और वह अच्छे से मतलब उसे हजम हो। सो पता ही नहीं चलता कब 2 मंथ्स हमारे अरब का कंप्लीट हो गया, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे अरब ने 2 मंथ्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही अरब को जन्म दिया था और अभी अरब 2 मंथ्स का हो गया है। कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता है, कि कब बच्चे छोटे थे और कब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सो वही बात है। सो अभी मैं अरब को सुला रही हूँ, वो अभी सो गया है, तो मैंने उसे झूले में रख दिया है। तो मैं उसके सीने पे एक कपड़ा रख देती हूँ, सो क्योंकि उसे ठंड ना लग जाए, अगर सीने में अगर उसे ठंड लग गया तो उसे सर्दी हो जाएगा, फिर बुखार भी उठ सकता है। सो इसी वजह से मैं उसे सीने में जैसे भी करके मैं कोई ना कोई कपड़ा रख ही देती हूँ। तो मच्छर भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना मच्छर नहीं है, फिर भी मैं मॉस्किटो जो नेट है वो लगा देती हूँ, ताकि अरब को एक भी मच्छर ना काटे मेरे बच्चे को। गाइस ये जो ब्लॉग है मैं सिंपल सा एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा एडिट करके डाल पाऊँ, तो जितना हो पाए मुझसे वही मैं कर रही हूँ। तो जब से हमने ये बेबी क्रैडल लिया है, सो ये बेबी क्रैडल जब से आया है तब से मुझे काफ़ी आराम मिला है, नहीं तो मैं बेबी को गोद पर लेकर वर्क करती थी, और अगर मैं अरब को ना हिलाऊँ गोद पर तो वो रोता रहता था, चिल्लाकर रोता था, बहुत मतलब तकलीफ़ होता था, मुझे भी तकलीफ़ होता था और उसे भी काफ़ी तकलीफ़ होता था। सो अरब के पापा भी सेम ऐसे ही करते थे, सो उनका हम लोग का भी नींद मतलब पूरा नहीं हो पाता था, हम सोते ही नहीं थे रात को, अरब को पकड़ पकड़ के दिन रात मतलब वर्क करना है, नहीं तो वो नहीं सोता था और रोता रहता था। तो आजकल के बच्चे मैं क्या बोलूँ, इतना एडवांस हो चुके हैं। सो हमारा अरब भी सेम है, जब वो जन्म हुआ तब तो ये प्रीटम था, बहुत छोटा था, सो 2-3 दिन के बाद ही इसने क्या किया, जन्म होने के 2-3 दिन के बाद जब वो रोता था तो सर से धक्का देकर ऊपर की तरफ जाता था। सो मम्मी और मैं पूरा शॉक्ड हो गए, ये इतना जल्दी इतना एडवांस कैसे हो गया। सो सेम ये गोद पे भी लेने से सेम ऐसा ही करता है, सर से धक्का देकर ऊपर की तरफ जाता है। सो वही बात है, अभी अरब जो है दिन ब दिन बड़ा भी हो रहा है, सो इसका जो बदमाशी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, छोटा है फिर भी बहुत ज़्यादा बदमाश है ये। सो अभी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, सो अरब को मैंने सुला दिया, वो थोड़ा बहुत हिलता है तो मैं उसे जो झूला है उसे मैं थोड़ा हिला देती हूँ तो वो फिर से सो जाता है। सो ये जो टोटोइस है ये हमारी OC मैम, उन्होंने हमें दिया, मतलब मुझे नहीं अरब को दिया। सो टॉर्टोइस भी दिया उसके साथ, 2 सेट कपड़े उन्होंने अरब को दिया, OC सर और OC मैम आए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गिटार ये हबी ने मुझे गिफ्ट किया, आपको पता है साइड पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल भी इसे सीख नहीं पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसे सीख पाऊँ। मसाज ऑयल है, बेबी पाउडर, बेबी लोशन और ये चिको क्रीम फेस क्रीम है, और ये यहाँ पर बेबी ट्रिमर, और ये है बेबी का काजल हिमालय का, ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये बेबी के कुछ ऑइंटमेंट्स है जो कि गले पे रैशेस हुए थे तब मैंने यूज़ किया था, और ये विटामिन D3 जो कि मैं पूरे दिन में 1 बार पिलाती हूँ, और ये ग्राइप वाटर 3 बार मैं पिलाती हूँ पूरे दिन में। तो ये हिमालय के ये जो है ये गिफ्टेड है, जब बेबी का मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग पे नामकरण हुआ था तब ये सब जो हिमालय के जो प्रोडक्ट्स है ये गिफ्टेड थे।
तो मैंने सोचा कि इसे यूज़ करें, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये हिमालय के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो इसमें तो क्रीम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे चिक्को का ये नेचुरल चिक्को का फेस क्रीम लिया बेबी के लिए। और जब से मैंने ये यूज़ किया है, बेबी का फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बेबी के मैंने जितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे रखे हैं, ताकि मैं आराम से सामने से मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। तो ये जो फ्लक्स है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी, क्योंकि जो ड्रॉपर है उसे मैं धोकर ही बेबी को मेडिसिन पिलाती हूँ। चाहे वो विटामिन D3 हो या ग्राइफर्टर में ड्रॉपर नहीं दिया हुआ था, सो एक्स्ट्रा विटामिन D3 का ड्रॉपर था, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। सो ये रहा शुगर टेस्ट। मैं बीच में शुगर टेस्ट कर लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ता है। गर्म पानी जो है वो ठंडा हो गया, तो मैं ये प्लांट पे डाल रही हूँ। प्लांट को भी पानी की ज़रूरत होती है ना। मैं ऑल आउट भी लगा देती हूँ ताकि आरव को मच्छर ना काटे। मॉस्किटो भी लगा दिया, फिर भी मतलब डर सा रहता है कि कहीं आरव को मच्छर ना काटे। मैं काफ़ी आरव को लेके कॉन्शियस हो चुकी हूँ इसी वजह से। सो ये आप दूसरे रूप पे देख सकते हो, पूरा कपड़ा बिखरा हुआ था। सो मैं ये क्लीन कर रही हूँ। सो ये रोज़ शाम को सुबह ऐसा ही होता है, जितना भी ठीक करूँ घर पूरा मैसी हो जाता है। सो काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आरव आया वो ही बड़ी बात है मेरी लाइफ में। आरव का आना मेरी लाइफ में, मैं क्या बोलूँ, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आरव का जितना भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स है मैंने बास्केट पे रख दिया है। तो एक्स्ट्रा क्लोथ्स होते हैं वो मैं बास्केट पे रख देती हूँ, जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ। और जो न्यू क्लोथ्स है वो मैंने आरव के लिए जो बैग लिया था मैं वहाँ पर रख देती हूँ। सो ये जो क्लोथ्स है मैंने आपको बताया था, लेकिन वो ब्लॉक डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के तरफ से, पता नहीं क्यों। सो मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो क्लोथ्स है वो जो हमारे कल्चर में जो मैरिड लेडीज होती है वो पहनती है, उसे बॉयल कहा जाता है, मेखला टाइप पहना जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इससे क्या होता है कि जो बॉयल है इससे बेडशीट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और जो आरव है, मैं इस आरव को मतलब जब लेती हूँ तब इसे यूज़ करती हूँ। काफ़ी टाइप से यूज़ किया जा सकता है, फिर जो पॉटी वगैरह भी क्लीन किया जा सकता है, ऐसा है। बहुत अच्छा है ये, मतलब जो हमारे कल्चर का जो हम यूज़ मतलब पहनते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। तो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ, आरव के उठने के पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। 6 बजे समथिंग ही मेरा जो खाना बनाना कंप्लीट हो जाता है। सो ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। सो इसमें क्या करते हैं, जो दाल है इसमें जो मछली का जो सर है उससे बनाते हैं। सो मैं वही बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने दाल बना लिया है। सो अभी मैं इसमें जो मछली का जो सर है वो ऐड करूँगी। मैं अभी थोड़ा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल थोड़ा सूख गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर गैस पर रख कर मैं आरव को फीड कराने चली गई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल गर्म हो चुका है, तो अभी मैंने इस पर 5 फोरन डाल दिया है, उसके बाद लहसुन। फिर प्याज, तो मैं इसी का तड़का लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो आप देखिए, तो थोड़ा ब्राउनिश होने के बाद ही मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तड़का का साउंड देखिए, आहा, स्मेल लाइक सीरियसली वाओ, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी बना रही हूँ, जस्ट अभी खा लूँ ऐसा हो गया था। तो कढ़ाई जस्ट न्यू लिया था, तो कढ़ाई ढकने का लीड नहीं था और छोटे बर्तन भी नहीं थे। सो बड़ा सा जो भी मिला मुझे मैंने उसी से ढक लिया। सो लास्ट में मैंने धनिया ऐड कर दिया। सो आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही। सो टिल देन, बाय गाइस।